हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। एंड आज जो है वो सबसे पहले मैं लगा रही थी मैथ्स, क्योंकि जो मैथ्स है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि मेरा जो है प्रिपरेशन जो कर रही हूँ मैं मैथ और साइंस का ही कर रही हूँ, और बहुत ही कम टाइम बचा है फ्रेंड्स तैयारी करने के लिए। और मेरा तो यही सोच सोच के अब होता जा रहा है कि क्या ही होगा, कैसे होगा। और एग्ज़ाम डेट 10 से 12 जून को है, तो बस गिने चुने दिन और ही बचे हैं। तो आप लोग भी अपनी मेहनत से जी जान लगाकर अपनी तैयारी करो फ्रेंड्स। एंड और लास्ट टाइम पे बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए सब लोग, और ज़्यादा इधर उधर के रिसोर्सेज के चक्कर में मत पड़िएगा। एंड वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊँगी कि मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, और वो कौन सा प्रैक्टिस सेट है, अच्छा है कि नहीं है, कैसा है, उसका भी मैं बताऊंगी। एंड आगे वाले आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या फिर गलत हो रहे हैं, कुछ भी जो भी हो रहा है उसका भी रिव्यू मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो अभी मैं पढ़ रही थी, मैंने जब से ये बुक ख़रीदी है तब से आज तक मैंने 3 चैप्टर पढ़े हैं। एक है प्रॉफिट लॉस, और दूसरा चैप्टर पढ़ा था परसेंटेज वाला, एंड एक और चैप्टर मैंने पीछे से पढ़ा था वृत्त पढ़ा था या फिर ट्रायंगल पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था 2D 3D इन सब का। एंड अभी मैं दूसरा एक और चैप्टर पढ़ रही हूँ, वो है डिस्काउंट वाला बट्टा। और ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, और ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है बट्टा। जो बट्टा MRP, जो हम लोग कोई सामान खरीदते हैं उसको MRP पे दिया जाता है, तो और जो छूट दी जाती है वो भी MRP पे ही दी जाती है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। आप लोग भी लगाए होंगे तो आप लोग को भी पता होगा कि क्या है कैसे हैं। एंड चलिए आप लोग के कुछ कमेंट्स ले लेते हैं जो आए हुए हैं। एंड पहला कमेंट है विशाखा कुमारी 5838 का, बोलती हैं जियोग्राफी कहाँ से करें। तो कहीं आपको भागने की ज़रूरत नहीं है डियर, आप NCERT बुक्स क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग। एंड मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, NCERT बुक पढ़ो ना जियोग्राफी। एंड जियोग्राफी में NCERT से बेहतर डिटेल में कहीं नहीं दिया गया है, और छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ NCERT में दी गई हुई हैं। तो NCERT का आप सीधे से ऐप डाउनलोड करो, और वहाँ पे हर चीज़ का दिया हुआ है बुक, हर सब्जेक्ट का, वहाँ से डाउनलोड करिए। सब्जेक्ट का जो बुक वगैरह है उसको डाउनलोड करिए और पढ़िए। एक ही बार डाउनलोड कर लेंगे आप, बार बार पढ़िए ऑफलाइन, और उनका जो चैप्टर्स होते हैं ज़्यादा MBK के होते भी नहीं हैं, तो जियोग्राफी आप वहीं से करिए। एंड उसके बाद जो है आप SCERT बुक भी कर सकती हैं बिहार का, उसके लिए भी मैंने ऐप भेज रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से बुक को पढ़िए। एंड नेक्स्ट कमेंट आया है गुलशन कुमार का, ये बोलते हैं यू आर माई इंस्पिरेशन। तो अच्छा लगता है सुन के जब कोई बोलता है कि मैं आपकी वजह से थोड़ी सी मोटिवेट होती हूँ, मेरा पढ़ाई में मन लगता है। तो डियर मेरा यही मोटिव रहता है कि आप पढ़ाई अच्छे से करते रहें, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं जो घर पे रहकर ही सारा काम ख़त्म करके, मेरे भी जानकारी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर का सारा काम करते हैं, फैमिली को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। तो जब वो सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। एंड बस पढ़ना ही है फ्रेंड्स। अगर आप मन में ये सोच लो ना कि अगर मैं दिन भर में मान लो सारे काम कर रही हूँ 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, तो मैं अपने लिए क्या 4 घंटे भी 3 घंटे भी नहीं निकाल सकती पढ़ाई के लिए। और जिस दिन आपके मन में ये आ गया या फिर ये बात घर कर गई कि मैं सबके लिए सबको टाइम देती हूँ 5 घंटे, तो मुझे खुद को भी टाइम देना है। अगर आपको ज़िंदगी में अपना कुछ करना है तो आपको पढ़ाई को टाइम तो देना ही पड़ेगा, और ये ऐसी चीज़ है पढ़ाई जो आपको ज़मीन से उठाकर आसमान पे बैठा देती है। तो पढ़ाई को कभी कम मत समझिएगा, बस पढ़ाई करते रहिए, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा। एंड एक और कमेंट आया हुआ है KM शालू का 9808 का, बोलती हैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाते एक दिन में, वो भी भूल जाते हैं। तो डियर ऐसा तो नहीं है, एक दिन में आप अगर रूम लेके पढ़ती होंगी तो बस आपको पढ़ाई करना पड़ता होगा, सेल्फ स्टडी अगर कर रही होंगी तो। तो मेरा तो जब मैं पहले पढ़ती थी तो फिर मैं इवनिंग के टाइम पे
तीन से पांच कोचिंग भी जाती थी, मींस अभ्युदय वाला जो चलता था फ्री वाला, उसमें जाती थी कुछ। हेलो। हाय गाइस, और सब बढ़िया है? आप सब कैसे हैं? एकदम हम बढ़िया। भी जो है चुनाव में बहुत थक गए थे, तो आज आए तो बहुत ज्यादा आराम कर लिए। अभी देखो बाल वाल सब ऐसे ही बिखरा पड़ा है। मेरा गिफ्ट आपका गिफ्ट है गाइस, यहाँ रखा है। उससे थोड़ी ना काम चलेगा, कुछ और चाहिए। देखिए गाइस, ये इनकी बर्थडे गिफ्ट है बेहतरीन सा। आप सब बताएं ये गिफ्ट कैसी है इनकी। ये है मेरे लिए एक साड़ी बेहतरीन सी, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ और चाहिए। और वो कब तक दोगे ये भी बता दो। गाइस इनको मैं बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ बहुत जल्द। वो गिफ्ट आप सब बहुत जल्दी देखेंगे। अभी हम सो उठे हैं तो चेहरे पर मुस्कान नहीं आ पा रही है, फीलिंग नहीं आ पा रही है। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस। सो फ्रेंड्स, जब मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दोबारा वाला मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या मिला है। तो आप लोग भी इंतज़ार करते रहिएगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पास्ता। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो मैं उनके लिए कुछ नाश्ता बना रही थी शाम के टाइम पे, और बनाया था पास्ता। तो अच्छा ही बना था पास्ता, फिर मैंने खाया, फिर भाभी को ले जाकर खिलाया, और भाभी ने भी बोला कि अच्छा बना है। देन चलिए अपने बात को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं सुबह जो पढ़ती थी, सबसे पहले तो मैं करेंट अफेयर पढ़ती थी। करेंट अफेयर पढ़ने के बाद अपना फ्रेश हुए, थोड़ा खाना पीना कुछ खाया, खाना बनाया खाया। फिर 2 घंटे का सेकंड स्लॉट रखती थी, उसमें मैं पढ़ती थी एक सब्जेक्ट, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर 2 घंटे का एक स्लॉट और रखती थी, फिर पढ़ती थी दूसरा सब्जेक्ट। देन फिर मैं थोड़ा आराम आराम करती थी या फिर कुछ और करती थी, फिर चली जाती थी कोचिंग। एंड आने के बाद फिर आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट। एक दिन में आप अगर करेंट अफेयर पढ़ते हो तो 2 सब्जेक्ट ठीक है, और 2 सब्जेक्ट को ज़्यादा सा टाइम दो तो वो जल्दी कंप्लीट भी हो जाता है। और अगर आप चाहो तो 3 सब्जेक्ट एक दिन में रख सकते हो, और ऐसा नहीं है कि भूल जाता है। अगर एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और भूल जाता है, तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप उसको आधे घंटे या 10 मिनट रिविज़न के लिए दो, वो नहीं भूलेगा, ये पक्का है। बस बार बार रिविज़न माइंड में लाते रहो, ये चीज़ वो चीज़ जो भी पढ़ा है आपने। एंड यहाँ पे नाश्ता करने के बाद हम चले गए थे मार्केट, और कुछ सामान लेना था। तो हमारे यहीं पास में ही है सैनिक कैंटीन, और उसमें थोड़े से सामान सस्ते मिलते हैं। तो मैं बाहर बैठी हुई थी स्कूटी पे, और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं सामान लेने अंदर, और मैं बाहर बैठ के उनका वेट ही कर रही थी। एवरीवन, तो अभी मैं गई हुई थी मार्केट, और मार्केट से एक प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, तो आप सबको अभी दिखाती हूँ। और मे भी मेरा कल से जो व्लॉग है वो इवनिंग टाइम पे आएगी, 2-3 बजे या 4 बजे, कभी भी आ सकती है, क्योंकि हम लोग का जो स्कूल टाइमिंग अब हो चुका है वो हो चुका है सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक, दोपहर में 1:30 बजे तक, फिर वापस आएंगे, फिर बनाएंगे खाएंगे। तो ये एक तरह से एक नोटिस आई हुई है हम लोग के लिए, सभी टीचर्स के लिए, बिहार में स्पेशली, बिहार का ही ये रूल है। और इन्होंने सुबह 6 बजे से स्कूल का टाइमिंग रखा है, सुबह 6 बजे से
दोपहर 1:30 बजे तक, जो कि गर्मियों की छुट्टी के लिए है और ये जून तक पूरा चलेगी, अभी कल से लेके पूरा जून तक। और सच बताऊँ तो फ्रेंड्स, ये एक तरह से मानसिक प्रताड़ना की जा रही है हम लोग के साथ, और क्या ही बोल सकते हैं, मीन्स हम लोग को मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये जो टाइम था ये कभी था ही नहीं पहले। हाँ, स्कूल था 6 या 6:30 से पहले था, और जो था 11 या 11:30 तक था। और बट अभी जो गर्मियों में फ्रेंड्स क्या ही बताए, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और अभी भी हम लोग सिर्फ 2 घंटे के लिए जाते थे, 8 से 10 जो चलता था, तो 9:30-10 बजे तक जो छत वाला रूम था ना, एकदम से उसमें तपन आती है, फैन चलता है, तो अभी देखो क्या ही होता है, उसी में झेलना ही है सब कुछ, और बच्चों को पढ़ाना भी है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे मैनेज होता है। बट ये चीज़ जो बिहार गवर्नमेंट ने की है, उन्होंने जॉब दे दी है, सैलरी टाइम से दे रहे हैं, बट ये जो मानसिक बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं ना टीचर्स को, ये इनकी चीज़ अच्छी नहीं है, बट कुछ हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप ये सही है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ये कोई सही है। और एक टीचर जो होता है उसकी जॉब जो होती है एक बहुत ही अच्छी तरह से बहुत अच्छी जॉब होती है, मीन्स बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, बट उन्हें क्या है, टीचर्स को अब सम्मान नहीं दिया जा रहा, मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो क्या ही कर सकते। चलिए आपको प्रैक्टिस सेट दिखा देते हैं, हम कौन सा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और क्यों लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस सेट है TRE 3 और 4 के लिए है, क्योंकि मैं 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ साइंस और मैथ के लिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट है। और ये है रुक्मिणी का, या फिर प्लेटफॉर्म का भी कह सकते हैं, जो नवीन कुमार सिंह हैं इनका है। एंड इसमें है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जैसे लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और GS का भी जो 40 प्रश्न आएगा वो भी दिया हुआ है, गणित का भी दिया हुआ है 80 प्रश्न, और जो टाइम होती है 2.5 घंटे की वो है ही है, और कुल अंक जो हैं 150 अंक हैं, जिसमें से बट मेरिट जो बनती है वो 120 पे बनती है। और इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है 16, और 2 सेट दिया हुआ है जो 2 बार अब तक पेपर हुए हैं उसको, 6 to 8 वाला ये दिया हुआ है, TRE 2 और TRE 2। एंड देखते हैं, ये जो देखिए सेट 1 है, इसमें पहले तो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के दिए हुए हैं, 13 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए, एंड 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, देन उसके बाद दिया हुआ GS जो 40 नंबर का आएगा वो दिया हुआ है, और क्वेश्चन भी ठीक ठाक हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे 1857 विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल कौन थे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये सब, तो देख सकते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे आप लोग बताइएगा। और इसके बाद दिखाते हैं, इसके बाद दिया हुआ है मैथमेटिक्स, और ये मुझे अच्छी चीज़ लगी, जो 80 नंबर का साइंस और मैथ आएगा, मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो हैं 71 से 110, मीन्स 40 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ्स के आएंगे और 40 क्वेश्चन जो हैं वो साइंस के यहाँ से आएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और देन इसके बाद आंसर की दिया हुआ है, और इसके बाद दिया हुआ है इसका बहुत डीप में एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है डिस्कशन, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एंड देखते हैं, कोई मिस्टेक ना हो तो ही अच्छी है। और आंसर के साथ साथ इन्होंने उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स के भी आंसर दिए हुए हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं इसको लेकर आई। और जब मैं देखने गई थी एंट्रेंस में शॉप पे, मैंने दो बुक देखी प्रैक्टिस सेट की, एक तो ये वाली थी प्लेटफॉर्म की और दूसरी थी किरण पब्लिकेशन की, तो किरण पब्लिकेशन की भी मुझे अच्छी लगी, बट उन्होंने क्या किया हुआ था, उनके में भी 15 प्रैक्टिस सेट थे, और स्टार्टिंग में उन्होंने मैथ और साइंस के थे, वो पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन सारे दे दिए थे एंड उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराए थे, तो ये चीज़ मुझे कम ठीक लगा, क्योंकि मैथ्स का और साइंस का जो भी है वो तो हमको NCERT और अपने रिसोर्सेज जो है वहाँ से पढ़ने हैं, और प्रैक्टिस हम लोग बुक लेते हैं बस प्रैक्टिस के लिए, और आप लोग भी बुक लेना तो प्रैक्टिस के लिए लेना, और ये नहीं कि कोई एक इतनी मोटी सी बुक है और वो BPSC प्राइमरी या फिर टीचर का जो सिलेबस है पूरा, इतनी मोटी बुक में पूरा सिलेबस ही दे दिया है, तो ऐसा बुक मत लीजिएगा। और ऐसी बुक मैंने पहली वाली थी, क्योंकि मैंने बीएड का एंट्रेंस डाला था ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने एक इतनी मोटी बुक ली थी, और वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने कोई बुक ली थी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है प्रिपरेशन की, ऐसे गवर्नमेंट जॉब की तभी हुई है, और अब के लोग हैं तो अब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही अपना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन मतलब बहुत कमी क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन फंसे हुए थे, तो तब से मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि जैसे मुझे तैयारी करनी है, हमारे यहाँ था UP PET, तो UP PET के प्रिपरेशन के लिए आप कोई बुक ले लो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पेट में हमारे क्या होता है 5-5 नंबर के सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब तक स्पेशली
सॉरी बुक नहीं पढ़ोगे तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसका भी यही है, जब तक आप जो सिलेबस दिया हुआ है उसको बुक से या फिर कहीं से भी आपका जो बुक रिसोर्सेस है उसे नहीं पढ़ोगे तब तक प्रैक्टिस सेट अच्छे से नहीं लगा पाओगे। तो आप लोग भी मार्केट में जाकर देख लेना कौन सी प्रैक्टिस सेट अच्छी है वो ले लेना और अभी से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट देना है टाइम मैनेजमेंट करना है तो इसके लिए एक अच्छा मौका है। और देखते हैं मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है पढ़ाई का, क्योंकि अब स्कूल खुल गया है 6 से 1:30, फिर आएंगे 1:30 बजे छुट्टी होगी, आते आते 2 बज जाएगा, उसके बाद खाना वाना बनाएंगे खाएंगे थोड़ा टाइम आराम करेंगे, मुझे लगता है 4 ऐसे ही बज जाएगा, 4 के बाद में पढ़ाई कर सकती हूँ, तो उसके बाद वीडियो करेंगे 5 बज जाएगा। देखते हैं जो भी होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे एंड होकर तो वीडियो पसंद आया होगा और फ्रेंड्स बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दें, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।